गुरुजी, हमारा मानवीय स्वभाव ऐसा होता है कि हमें सब कुछ जानना होता है। जो सच है हमें पता है, उसे जानने के बाद हमें दुख होगा, और कभी कभी हम सच को जानने के बाद उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे लिए एक समस्या बन जाता है। हालांकि वो सच पास्ट में बीत चुका है, तो हम उसे बदल भी नहीं सकते हैं, तो उस बात को लेकर के हम परेशान होते रहते हैं। गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमें ऐसे सिचुएशन में उस सच को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या ऐसे परेशान नहीं होना चाहिए। हितोपदेश के कुछ सूत्र हैं, जैसे सत्यम प्रयुति प्रियात, और वो पूरा का पूरा एक पूरा श्लोक है, और उसमें पूरा उसका भावार्थ आता है। कुछ अगर ऐसे कड़वे सच हैं जो जीवन का हिस्सा बन ही चुके हैं, तो प्रकृति का प्रारब्ध है, वो ईश्वर की मर्जी है। ज्योतिष विज्ञान को जानने से, पराविद्याओं को समझने से, ईश्वरीय शक्तियों के संधान से आपके अंदर निर्मूलता आती है, सहजता आती है, आप थॉटलेसनेस होते हैं, आप ईगोलेसनेस होते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों से विमुक्त हो जाते हैं, और स्थिति यह आती है कि एक स्थिति में आप सेल्फलेसनेस भी हो जाते हैं, स्वत्व का, स्वयं का बोध भी विलीन होने लगता है। इसलिए इन ऊर्जाओं के अंग संग रहने से, इनमें समाहित हो जाने से, इनको अपने जीवनचर्या का हिस्सा बना लेने से, आपके जीवन में एक स्थिरता और एक बैलेंस और एक शांति और एक सुकून, एक ठहराव आने लगता है। तो जो बीत गया सो बात गई, तो चला ही गया, तो उस जैसे मैंने कहा कि जब आप ये तो उसका मतलब परमात्मा की रचना थी। अगर देखिए हमारे ही मुताबिक, हमारी ही नियोजन से, हमारे ही प्रबंधन से, हमारी ही मैकेनिज्म से, हमारे ही मैनेजमेंट से सारा कुछ हो सकता होता, तो हर व्यक्ति का जीवन उसके तई घड़ा गया जीवन होता, उसके द्वारा निश्चित किया गया जीवन ही उसका जीवन होता। ऐसा तो 99% है नहीं, 99.9% ऐसा जीवन नहीं है, और वो इसलिए भी नहीं है कि हमारी तो मन की वृत्तियां बहुत शीघ्रता से परिवर्तित हो जाती हैं, हमारे मन की वृत्तियां बहुत तेजी से बदलती हैं, परमात्मा को इस बात का पता है। इसलिए इसमें कर्म का सिद्धांत रखा, इसमें भाग्य का सिद्धांत रखा, इसमें प्रारब्ध का सिद्धांत रखा। चाहा तो हर आदमी कि मैं ये कर लूं, लेकिन क्या वो करना उसके लिए उचित है भी कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब किसी आदमी को, उदाहरण के तौर पर किसी आदमी के लीवर में कभी शराब नहीं जानी, तो ऐसी संगत में से मित्रता करवाएगा ही नहीं उससे जहां वो शराब पी सकता होता। और एक आदमी ने शराब का ही सेवन करना है, तो किसी वो आचार्य, किसी गुरु के घर भी जन्म ले लेगा, तब भी घूमता फिरता कहना कि शराबी को ढूंढ ही लेगा। तो ये कुछ योजनाएं, कुछ खाके, कुछ मानचित्र, कुछ रेखाचित्र कहीं और निर्मित होते हैं। हम उस बिछी बिछाई शतरंज की चाल पर स्वयं एक मोहरा बनकर कुछ गतियां करते हैं, कभी हम आगे हो जाते हैं, कभी हम पीछे हो जाते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, इससे जीवन का वर्तुल हमारा काम करता है। लेकिन मैं मानता, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि ना भूतो ना भविष्यति, ना तो पास्ट में ज़्यादा जियो, उससे पश्चाताप आता है, रिग्रेट आता है, क्रोध आता है, ईर्ष्या, बैर, हिंसा, बदला, ये बहुत सारे गुण आने लगते हैं। और भविष्य में हाइपोथेटिकली हम विचारों में फंसे रहते हैं, हम ये हो जाएगा तो ऐसा कर लेंगे, फिर कभी कभी उस हाइपोथेटिकल योजना को मूर्त रूप देने के लिए कुछ ऐसे स्टेप भी उठा लेते हैं जो ठीक नहीं होते, जो हमारे वर्तमान के लिए ठीक नहीं होते, भविष्य के लिए ठीक नहीं होते, हमारे समाज परिवार के लिए ठीक नहीं होते। तो एक्सेप्ट सिचुएशंस एज दे आर, तो ये सूत्र हैं छोटे छोटे, इनको अगर जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो चीज़ें ठीक और बेहतर होने लगेंगी। और मानो वही परमात्मा की मर्जी थी, ठीक है, जीवन में कुछ और भी होना होगा। और हमेशा हमेशा जैसी जीवन की आप कल्पना करते हैं, जैसी जीवन का आप एक खाका बुनते हैं, किस तरह का ताना बाना वैचारिक परिदृश्य में आपके जीवन का एक हिस्सा होता है, जैसे विचार में आप सुबह से शाम तक, रात तक, दिन तक रहते हैं, जो आप आज सोच रहे हैं वैसा आप कल बन जाने वाले हैं, जैसा आप कल सोचेंगे वैसे आप परसों हो जाएंगे। हर आने वाला कल आज के गर्भ से ही जन्म लेता है। इसलिए हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू शब्दकोश में, हिंदुओं की वर्तनी में, हिंदुओं के मेथड में कल का इस्तेमाल किया गया,
ये कल और किसी जगह कल शब्द का प्रयोग नहीं होता, बाकी किसी भी लैंग्वेज में भी नहीं होता। कल जो चला गया उसे भी हम कल कहते हैं, और जो आने वाला है उसको भी हम कल बोलते हैं। तो ये काल के अधीन है, इसमें ज़्यादा संशय में ना रहें, प्रसन्नतापूर्वक जीवन जिए। अभी बहुत समय, बहुत टास्क, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो आपने करनी है, और हो सकता है कि उन बातों का आयाम इतना विस्तृत हो, उन उपलब्धियों का कैनवस इतना बड़ा हो जाए, वो सुखों के पल इतने विस्तीर्ण और इतने बड़े हो जाएं कि कल जो घटना जा चुकी उसे सोच करके आप स्वयं पर ही मुस्कुराने लगें, आप खुद ही बैठे बैठे हंसने लगें कि मैं छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान रहता था या रहती थी। ऐसा भी अक्सर होता है। खुश रहिए। Yeah.